मनोज दास चेतनार दिग्बलय नवप्रकाश जून 2011 कहानी शिक्षार प्राचीनतम माध्यम मु पाठ करुछे समीर रंजन दास। पाश्चात्य जगतर एकदा प्रचलित गोटे अति प्राचीन कहानीर बरणी गवेषक मैंने खंडीय शिलार खोदित चित्र तथा शब्दर उद्धार कर बुढ़ीटीए पल्ले घुषुरी को गाँ बाहर पड़िया आड़े नहीं जाजक खूब चालाक मन करुवकटीए बुढ़ी को बाट चलुवा गाँ लोक आगे हास्यास्पद कर मजा ने कह नमस्कार घुषुरी मानक माँ बुढ़ाटे हो मो पु उत्तर कह बुढ़ी गाँ लोके अवश्य हसुचंती किंतु जो कारण से हसबे बोली जुवक आशा करथिला हसुचंती तार विपरीत कारण हास्यास्पद हेउछि जुवक घटना प्रवाहर एमिति अप्रत्याशित मोड़ कहानी एक प्रधान उपादान निश्चय किंतु कालजयी कहानी सबुरे थाए आहुरी बहु उपादान जीवनर जटिलता आकस्मिकता मानव चरित्रर अजणा दिगर उद्घाटन समस्या ओ तार समाधान दिगरे सूचना इत्यादि इत्यादि मनीष मनीष भितरे मनीष ओ तार परिवेश भितरे संपर्क ओ संघर्ष सेथिरु मिलुथिबा अभिज्ञता एही सब उपादान कहानीर कळेबर अर्थात कहानीर परंपरा एही संपर्क ओ संघर्ष भली अत्यंत प्राचीन विशेषज्ञ मानक मतरे पृथ्वीर समस्त सभ्य देशर कहानीमाला एक विपुल अंशर उत्स भारतवर्ष भारतरु जाई से सबु काही सुदूर ईसप कहानी गुच्छरे बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट रे आरब्य रजनीर कहानीमाला रे एवं एपरिक इंग्लैंड रो कवि चरस कैंटरबरी टेल्स रे भिन्न भिन्न नाम परिचय एवं साज पोशाक पिंधि अवतीर्ण होती। पृथ्वीर प्रथम कल्पकथा फेबल्स संग्रह पंचतंत्र लेखक विष्णु शर्मा ओडिशार लोक बोली केही केही गवेषक मन करती। महिला रूप्य राज्यर तीन चपलमती राजपुत्र को कौनसी मते विद्या प्रति आकृष्ट करिनपारी राजा प्राज्ञ विष्णु शर्मा उपदेश प्रार्थना करते से महाशय आसी राजपुत्र मानंक सह मिसी से मानंकु नानादि गल्प कहिबाकु आरंभ कले। मुग्ध राजपुत्र माने दिन परे दिन शुणु थांति परवर्ती कालरे मित्र लाभ मित्र भेद काकलुकियम इत्यादि भावरे विभक्त पंचतंत्रर अनवद्य प्रस्त गल्प से सबु माध्यमरे शिखु थांति राजनीति आईन कानून कूटनीति शासन विधि एवं राज्य परिचालना निमन्ते आवश्यक अन्यान्य विद्या कहानी माध्यम ही से माने बनिगले शिक्षित प्राय 100 वर्ष तल पर्यंत भारत रे थिले गोटाए श्रेणी भ्राम्यमाण साधु दल तीर्थरु तीर्थंतर जीवा बेले जणे साधु हुएत कौनसी गृहस्थ घरे रातिक पई अतिथि हेले से परिवार कौनसी समस्या रे पड़िथिले साधुटी कहानी जरिया रे ही हुए तो से समस्या रा समाधान दिगरे इंगित देबे नहले सांत्वना देबे आज से संप्रदाय नहांती आम लोक कथा परंपरार एक महत दिग निष्प्रभ हो जाइछि। जापान रे मध्य एही परंपरा थिला सेठाकार कथाकार माने भारतर साधु संप्रदाय भली आध्यात्मिक मनोभाव संपन्न नथिले किंतु से मानंक कथित कहानी रे मध्य रहिथिला साधारण ज्ञान ओ उन्नत आदर्शर संकेत से परंपरा को वर्तमान पुनरुज्जीवित करा जाउछि। सेथिरे नेतृत्व नेउछंती जणे लोक कथाकार युसिनो युसी शिक्षाविद मैंने से उद्यम को स्वागत करुछंती कारण शिक्षा निमंते कहानी भूमिकार विकल्प नहीं।